बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक नया स्टेशन बनाने का प्रोग्राम हुआ है और उसका नाम होगा वेस्ट मैनेजमेंट स्टेशन, यानी ट्रांसफ़र होगी वहाँ से जो वेस्ट, यहाँ से गारबेज जो भी उठाई जाएगी, कूड़ा क्रिकेट जो होगा I-9 में वहाँ पर फेंका जाएगा और वहाँ से फिर आगे ट्रांसफ़र होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधु साहब, उनसे हम जानेंगे कि संधु साहब, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है, क्या इस्लामाबाद के पास अपना कोई वेस्ट मैनेजमेंट परमानेंट स्टेशन नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, ये वेस्ट मैनेजमेंट स्टेशन ट्रांसफ़र जो बनवा रहे हैं, हमारे पास क्या मुस्तकिल कोई स्टेशन नहीं है जहाँ पे गारबेज फेंका जाए? मागड़ साहब, एक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये मेरी कमज़ोरी है। कमज़ोरी इस तरह है कि मेरा PhD का थीसिस इसका है, म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट पे है। यहाँ यानी जहाँ पे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो आपकी रग फड़कना शुरू हो जाती है। फड़कना मतलब, और इस्लामाबाद के हिसाब से तो हमेशा ही फड़कती रहती है, क्योंकि आपने बड़ा अरसा। मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद लकी है कि आज भी इसकी म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस जो है ना, बाकी किसी शहर से भी जहाँ पे डॉलर्स में खर्च होती है उससे बेहतर है। लेकिन इसको एक समझने की जरूरत है, पूरी रॉकेट साइंस है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हम इसको सिंपली समझ लेते हैं ना। मैं आज के जो आपका टॉपिक है इस हवाले से बाकी चीजों को छोड़ता हूँ, सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, जिस शहर के पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं है कि वेस्ट पैदा कितनी होती है और किस किस्म की पैदा होती है, उन्होंने सिस्टम क्या डिवाइस करना। हाँ, सही बात। आप सिर्फ चेयरमैन साहब, अर्बन यूनिट पंजाब ने जो आपको सिस्टम बना के दिया, जिसके उन्होंने करोड़ों आपसे लिए, जरा उसकी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल से कराएं। उन्होंने डेटा वो दिया है जो 2006 में था हमारा, 2024 में वही डेटा है। हालांकि आबादी भी बड़ी है, दुनिया भी बड़ी है, डेवलपमेंट ट्रेंड्स बढ़े हैं, मतलब लिविंग स्टाइल बढ़ा है, चेंज हुआ है। बहरहाल, एक तो ये इसमें बड़ी कमी है। मेरे जब मैं था DG सिविक मैनेजमेंट, तो नेस पार्क ने एक इंसेप्शन रिपोर्ट जमा कराई, 36 लाख रुपए। मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा जी इंसेप्शन रिपोर्ट में आया तो मैंने कहा लाए, मैंने पढ़ी तो मैंने फ्लैश लैग कर दिया। मैंने कहा यार, इसमें तो आपकी जो TUR उसके हिसाब से ही मटेरियल नहीं है, तो इस चीज के क्यों पैसे दिए जाए। मांगर साहब जब वो मीटिंग के लिए आए तो माशाल्लाह, उनसे मैंने पूछा जी आपका वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कौन है? उन्होंने कहा जी हम में से कोई नहीं है। तो मैंने कहा ये रिपोर्ट किसने बनाई है? मैंने कहा आपने रिपोर्ट पढ़ी है? बाहर नहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा जी हमें हफ्ता दे दें, हम अपनी एक्सपर्ट टीम भेजते हैं। अब मैं इनको फोन करूंगा, एक्सपर्ट टीम को बुलाओ, भाई वो 36 लाख मांग रहे हैं और मेरा सिस्टम डिवाइस करना है हमने। तो मेरे भाई वो आए एक दफा बड़े मिन्नत समाजत के बाद, तो उस वक्त के चेयरमैन साहब की सिफारिश है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी कौन वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट? आप यकीन माने कोई नहीं था। बहरहाल, तो मैंने उनको रिपोर्ट पढ़ाई, उन्होंने कहा ये मेरी TOR है, मुझे बताया इसमें क्या है। तो मैंने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि जी 36 लाख भी नहीं देने। तो उसका अर्बन यूनिट, बहरहाल एक्यूरेट डेटा की बात है। सिस्टम बनाना इस्लामाबाद में, डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो मल्टीपल है, इसके लिए बड़ी इनसाइड स्टडी। कितना रोजाना का तकरीबन गार्बेज होगा, कितने? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक पेपर, अभी मेरा नियर कंप्लीशन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे, और इससे पहले मेरे 2 पेपर पब्लिश हो चुके हैं स्पेन में, दोनों म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट पे है। एक मैंने रिसाइकलिंग पे लिखा था, ठीक है जी, और एक जनरल था वेस्ट डिस्पोजल साइट के ऊपर कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वेस्ट डिस्पोजल साइट को प्लान और डिजाइन और मैनेज करने के। चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, इनके लिए तो नहीं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी PhD के दौरान सर्वे किया है और अभी जो रूरल एरिया के लिए फिगर दिया है अर्बन यूनिट ने, इस वक्त भी एटलीस्ट 1 kg पर पर्सन पर डे है। तो 30 लाख की आबादी है, 24 लाख की, 24 लाख की तो चले वो है ना जो मर्दमशुमारी है। तो ये मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। हाँ,
5 से 10% का मार्जिन भी दे ले, और ये आज भी 600 टन कोट कर रहे हैं। और वैसे और उसने बताया जो अर्बन यूनिट है कि 0.59 kg, यार 0.60 2006 में जैपनीज ने स्टडी की थी, उन्होंने दिया था। ये तो एक एंगल है इसका। नंबर दो, मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करने में हर्ज क्या है। एक ही हर्ज है कि जिनको फरमाइश में बुलाया जाता है उनको फिर जो है ना ऑब्लाइज नहीं किया जा सकता। मसलन मैं आपको बताऊं कि एक दफा मुझे बुलाया एक कमेटी में, तो जब मेरे सामने रिपोर्ट्स रखी, मैंने कहा इनका ये पैरामीटर इसको देखें, उसमें डिप्टी डीजी को और था वेस्ट मैनेजमेंट का, उन्होंने उसका भी मुझे बुलाया ही नहीं है। चलो मर्जी उनकी। मेरे भाई अगले वेस्ट डिस्पोजल साइट पे आ जाते हैं, कितना बदकिस्मत शहर है, कैपिटल है, कि आज तक इसकी वेस्ट डिस्पोजल साइट प्लान ही नहीं हुई। नहीं संधु साहब, देखें आप भी बाहर जाते रहते हैं, हम भी घूमते रहते हैं, फिर जो हाई अप्स हैं, चेयरमैन हैं या बाकी डीसी है, जिन्होंने ये काम करना है, फिर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बाहर जाते हैं, देखते हैं कि एक गाड़ी उन्होंने गार्बेज वाली रखी है, वो बोतलें अलग डालते हैं, प्लास्टिक की बोतलें अलग डालते हैं, बाकी कूड़ा अलग डालते हैं, फिर वो उसका किसी इस्तेमाल में लाते हैं। मैंने लंदन में देखा है कुछ 6-7 खाने एक ट्रक में बने हुए हैं, अलग-अलग से वो जो है ना सैनिटेशन वाले उसमें वो डालते हैं ताकि बाद में उनको आसानी रहे। यहाँ तो सोचा ही नहीं जाता कि करना क्या है। देखें इस बारे में हम अलग से प्रोग्राम के वेस्ट रिसाइकलिंग पे, इतना आसानी मेरे इस पे पेपर है, मैंने बताया स्पेन में पब्लिश हुआ है। सही, वहां पे ऐसे तो नहीं हो गया, मतलब वेसेक्स में। बहरहाल ये वेस्ट डिस्पोजल साइट का किस्सा ये है कि मास्टर प्लान में ये दी गई थी साइट, ये जो स्वा विलेज है ना आपका, इधर ये वेस्ट साइट थी हमारी, स्वा विलेज, बिल्कुल फैजाबाद के पास हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी उधर बना था, ये कट्ठा बनना था। बहरहाल ना एक्वायर हुआ, वहां आबादी बन गई। 2015 में मैंने इनको बना के दी फाइल भेजी के जनाब आपकी वेस्ट डिस्पोजल साइट की ये 3 पोटेंशियल साइट्स हैं, इनको आप इनको अप्रूव करें। प्लानिंग में 3 साल फाइल गुम रही कि मेरा काम नहीं तेरा काम है, तेरा काम नहीं मेरा काम है। आखिर चेयरमैन साहब ने बड़ा तीर मारा के जी H16 में बना ले, और भाई उसके अपने पैरामीटर्स कैसे H16 में बना ले। अभी सुना है कि पिंडी के साथ मिलके कोई बना रहे I-9 में जो नहीं, वे ट्रांसफर स्टेशन, इस पे आता हूं मैं। हाँ। ये वेस्ट डिस्पोजल साइट है, सही, वहां पे उनके साथ कुछ शेयरिंग पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी है कि आप ओपन एयर फेर फेंक रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है। सही है। आप मुझे बताएं कि जिस शहर की ये क्यों नहीं चेयरमैन नहीं सोचता, मेंबर नहीं सोचता, जो कंसर्न डिजीज है वो क्यों नहीं सोचते कि यार यहां से हम उठा रहे हैं कहीं तो फेंकना है, गलियों में तो नहीं फेंकना, तो इसको फेंकने के लिए अपने हमने वॉशरूम यूज करना तो प्रॉपर वॉशरूम बड़ा वेल बिल्ट होना चाहिए, गंदी फेंकना है ना। हाँ जी। तो ये शहर का गंद फेंकना, हम कहते हैं सड़क के किनारे फेंक दो। अनफॉर्चुनेटली कोई वेस्ट डिस्पोजल साइट नहीं है। मैं अगेन कहूंगा कि मेरा पेपर एक्सक्लूसिवली एक इस्लामाबाद की वेस्ट डिस्पोजल साइट पे पैरामीटर्स पे हुआ है कि किन पैरामीटर्स पे वेस्ट डिस्पोजल साइट जो है ये प्लान करनी चाहिए, डिजाइन करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए। ये टेक्सला यूनिवर्सिटी मेरा पेपर पब्लिश हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा संधू साहब, अगर आप पढ़े लिखे तरीके से लोगों को मशवरा देंगे ना CDA के हाई अप्स को, अगर उनको ये पता चल गया कि आप वाकई प्रोफेशनल हैं और आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होनी है, कहाँ पे साइट बननी है, तो फिर वो आपको लिफ्ट नहीं करवाएंगे कि उनको पता होगा, आपको सब कुछ पता है। लेकिन आप झटके तरीके से उनके करीब हो गए, अगर उनको कहेंगे तो फिर वो इस बात पे मान जाएंगे कि ठीक है जी संधु साहब तुम ठीक कह रहे हैं। मेरी कमजोरी है, मैं झटका तरीका नहीं, मैंने PhD ऐसे नहीं की। बात ब्रदर ये है कि मैंने बताया नहीं, एक कमेटी में बताया था, मैंने सिर्फ उनको कहा ये पैरामीटर इसको आप देखें, इसको उसको आप खुद ही फाइनल कर लिया। लेकिन मैं तो कहता हूं मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन प्रोफेशनल हो, लेकिन क्या ये किसी की पार्टी नहीं है? मतलब 3 साल प्लानिंग वाले से उन्हें पूछा जाए 3 साल वेस्ट डिस्पोजल साइट की फाइल कहां रही। चलो अब आ जाते हैं वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर। वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत महसूस की जाती है कि ऐसा पॉइंट हो जहां पे हम
इमीडिएट डोर टू डोर कलेक्शन करके वहां पे इसको हम फॉर द टाइम बीइंग स्टोर करें और वहां से फिर बिग हॉलर्स के जरिए हम इसको वेस्ट डिस्पोजल साइट पे लेके जाएं। लेकिन जो इनकी वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन है, ये मुझे तो जरा बताएं कि जो जोन 4 और 5 है और वहां से ये पॉइंट कितनी दूर पड़ता है, इसको कोई मिडल लोकेशन पे होना चाहिए था, सेंट्रल लोकेशन जो सब एरियाज के लिए एक्सेसिबल होता। मेरे से बात की तो मैंने इनको बताया कि आप मास्टर प्लान को देखें, ये एरिया बनता है सेंट्रल लोकेशन। आपने कौन सा बताया? मैंने बताया था कि ये कोटा ट्रायंगल है ना हमारा, इस साइड पे आपको ना ये इधर से इतना पड़ेगा, उधर से उतना पड़ेगा और वेस्ट डिस्पोजल साइट आपको भी उधर से उतनी पड़ेगी। जिस तरीके से जितनी वो सोसाइटियां बन गई हैं संधू साहब, आपको आपको वेस्ट मैनेजमेंट साइट भी दो बनानी पड़ेगी, एक तरनौल वाली साइड पे और एक इधर जिधर आप बता। तरनौल वाली साइड पे देखे, आपके पास अब जगह ही नहीं है। आज यहाँ पे एक और सीडीए की लथार्जी है कि हर हाउसिंग सोसाइटी जिसकी हम अप्रूवल देते हैं उसके अप्रूवल में लिखा होता है कि तुमने अपनी वेस्ट डिस्पोजल साइट बनानी है, किसी एक ने नहीं बनाई। उन्होंने तो कब्रिस्तान नहीं बनाया। तो मेरे भाई, ये मेरी लथार्जी है ना, मैं सीडीए हूं ना। अब बात यह है कि वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन हो या वेस्ट डिस्पोजल साइट हो, जब तक आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, जब आपको इसके पैरामीटर्स को आप नहीं फॉलो करेंगे, कंप्लाई विद नहीं करेंगे, अब इसे उस वक्त तक आप एक कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। संधू साहब, अगर ये नहीं होता जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, इसके ऊपर काम नहीं होता, इसकी स्टडी नहीं होती, नहीं हो रहा, तो फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान, यस, एक तो नुकसान ये है कि पहले आप ये फेंक रहे थे I-12 में, आप यकीन माने वहां IJ प्रिंसिपल रोड से गुजरना मुश्किल था, गुजरा नहीं जा सकता था। जब मैं DG सिविक मैनेजमेंट लगा तो मैंने चूंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पढ़ा था ये, तो इसके वेस्ट डिस्पोजल की ना डिफरेंट कैटेगरीज है, तो जिसमें सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो कंट्रोल डंपिंग होती है कि आप दफन कर दें उसको, उसके ऊपर मट्टी डाल दें ताकि स्मेल तो ना आए ना। तो मैंने, मेरे भाई वहां ढेर लगे होते थे, स्टाफ गुआ है, मैंने डोजर जला के एक्सवेटर लगा के 2 महीने के अंदर अंदर सारा मैं उसको करे, और उसके बाद ये SOP बना दिए कि जैसे ही वेस्ट डिस्पोजल जो साइट के ऊपर ट्रक अनलोड होगा विद इन 15 मिनट से इसको अर्थ कवर दिया जाएगा। जब तक मैं रहा ये चलता रहा, लेकिन दूसरा वो कमर्शियल एरिया था तो अब वहां पे वो वेस्ट निकालेंगे बनाने के लिए। आप ये ले गए हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बात, मारागढ़ के फूड हिल्स में इन्होंने प्लान कर दिया एक स्टेज पे, अल्लाह का नाम मानो, अल्लाह का नाम मानो, इधर बना दे, इधर बना दे। नहीं, अच्छा, और एक मेंबर प्लानिंग क्रेडिट ले रहा है उसका, जी मैंने बड़ा अच्छा, मैं दिस इज माय बेबी। वो तो सैनिटेशन का बंदा, उसने कहा यार संधू साहब ने इस पे काम किया हुआ, जा जाके पढ़े यार, ये स्लोप है आपका, इधर आप वेस्ट डिस्पोजल साइट बना रहे हैं, ये सेक्टर्स में जब बारिश होगी तो क्या होगा, विंड डायरेक्शन आपने ये है, क्या चीज है? उसको किसी ने कहा नहीं कि बड़ा गंदा बेबी है तेरा? मेरा ख्याल है कि ऐसे बेबी पैदा नहीं होते, या पहले संधू साहब, अगर ये जो गार्बेज है, कूड़ा है, इसी तरह फेंका जाता रहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसके मौलिक असरात क्या होंगे? देखें, एक तो मौलिक असरात, सबसे पहली बात यह है कि वेस्ट डिस्पोजल साइट प्रॉपर ना होने की वजह से और फास्ट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ना होने की वजह से, ये अमेरिकन स्टडी है कि कम से कम 36 डिजीजेस से मुतलक है, जो हवा के बीमारियां पर, जी, मीथेन गैस भी, लीचेट, मैं आपको मिसाल दूं, आप जहां रहते हैं वहां के एक सर्विस रोड के साथ एक सीडीए का कंटेनर पड़ा है, हाँ जी, उससे आपके भी जो लीचेट निकलता है रोड के साथ साथ आ रहा है, उसको देखें, आपको पता है कि उसमें क्या क्या है? बहुत जहरीले मादे होते, वो निकल रहा है, और वो एक स्टेशन नहीं है, BCO स्टेशन इस्लामाबाद के अंदर है कि वो हम उसको कहते थे स्किप, उसमें से निकल के ट्रेवल कर रहा होता है, इसका क्या सिस्टम है? यही जहां पे आप डेली 100 टन फेंक रहे हैं वहां पे भी उतने जनरेट। 36 बीमारियां ये फजाई आलूदगी से पैदा होंगी, फजाई आलूदगी और जो लीचेट हम उसको कहते हैं जो मटेरियल पैदा होता है, फिर मीथेन गैस की इमिशन है,
फिर इसे जरासीम जो है, फिर अंडरग्राउंड वाटर इससे पोल्यूट होता है, दमा एलर्जी वगैरह, बिल्कुल ये तो मामूली है ना, कैसे तक की बातें है इसमें। अच्छा तो मेरे भाई दूसरी बात यह है कि इसका कंसिक्वेंस, जब ये वेस्ट डिस्पोजल साइट प्रॉपरली प्लान नहीं होगी, जगह नहीं होगी, तो ये फिर आपकी जो डेली कलेक्शन है इसकी एफिशिएंसी मुतासर होती और है, फिर साल दो साल के बाद इनके पास वो जगह भी नहीं होगी, जगह फिर आगे कहीं चले जाएंगे जब प्लान ही नहीं करनी। आप देखें वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन I-11 में बनाया, एक तो उसको देखें कि उसके कितने कॉन्सिक्वेंस है इर्द गिर्द, क्योंकि वहां पे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है, सिंपल फेंक रहे हैं तो वहां लेके जा रहे हैं, कभी जाके देखे उधर वेस्ट ट्रांसफर। और I-11 इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ ट्विन सिटीज, उसकी वेस्ट मंडी की वेस्ट है, ढेर लगे हुए जाके देख ले, और सबसे इजीली वो उसकी रॉटिंग होती है, और वहां से जो लीचर जिसकी मैंने बात की है, आप जरा देखें उधर ही मंडी में ढेर लगे हुए जाके, और खुदा के लिए यार एक इस्लामाबाद का इमेज बनाए, कितना मुश्किल काम है। प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजर्स को बुलाऊं, हमने खराब करने में को सर कोई छोड़ी तो नहीं मेरे भाई, अगर खुद सही नहीं अपने आप को ठीक करना कोई बार वो आके नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन सुना आपने कि अगर आप गार्बेज के लिए दुरुस्त स्टेशन नहीं बनाएंगे इस्लामाबाद में, अभी तो जगह है क्योंकि लैंड ग्रैबर जो है वो तेजी से जगह को खाते जा रहे हैं, और कुछ अरसे बाद वो जगह नहीं होगी अगर हमने यहाँ पे गार्बेज स्टेशन ना बनाया। और 36 बीमारियां तो संधू साहब ने बताया कि जिसके ऊपर तहकीक हो चुकी है, जिनमें कैंसर भी है, दमे की सांस की बीमारियां हैं, एलर्जी है और बहुत कुछ है, जल्दी बीमारियां हैं, लेकिन इस्लामाबाद के सीडीए के पास अरबों रुपए का फंड है लेकिन नहीं लग रहा, तो दुरुस्त कामों पर नहीं लग रहा, प्रोफेशनल लोग हायर नहीं किए जा रहे। बिल्कुल संधू साहब ठीक कहते हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।